सबसे पहले आप जो सर ने लिंक भेजा है वो लिंक आप ओपन कीजिए, गूगल क्रोम में जाइए। यहाँ जब आप ओपन करेंगे तो यूनिट परमिशन का एक इंटरफेस आएगा, इसको आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ से इसको क्लोज़ कर देंगे। क्लोज करने के बाद आपको न्यू टैब ओपन दिखाई देगा, यहाँ आप सर्च करेंगे गूगल साइन इन। साइन इन इस प्रकार से जब आप टच करेंगे तो साइन इन गूगल अकाउंट का ऑप्शन आएगा, उसको टच करेंगे। टच करने के बाद आपको यहाँ ईमेल डालना है, कौन सा ईमेल डालना है, जो आपका कॉलेज वाला है, कॉलेज वाला आपका ये, नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड आप डाल दीजिए, नेक्स्ट करेंगे। ये यहाँ हमारा प्रोटेक्ट योर अकाउंट बोल रहा है, इसको हम कंफर्म कर देते हैं। ये हमारा लॉगिन हो गया, यहाँ पास ये देख रहे हैं आप लोग, ये हमारा कॉलेज का लॉगिन है, ये हमारा लॉगिन हो गया। यहाँ से हम मैनेज अकाउंट में जाके अगर कंटिन्यू एस टी केसवर, इसको मैं यस करता हूँ। यहाँ से आपको देखो ये तीन अकाउंट आपको शो हो रहा है, जो हमारा कॉलेज वाला अकाउंट है एस आर यू ए ए 1253, इसको आप टच करेंगे, इसको यस आई एम इन करेंगे। ये आपका यहाँ पास ये कॉलेज वाला आईडी आपका लॉगिन हो चुका है, ये देखिए। अब आप क्या करेंगे, इसको टच किए, ये कॉलेज वाला आईडी लॉगिन किए, ये आपका लॉगिन है। अब आप इसको बैक कर दीजिए, चले जाइए आपके ये इसमें, और ये लिंक को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके आप फिर से आइए गूगल क्रोम में, गूगल क्रोम में आप इसको पेस्ट कर दीजिए और सर्च कीजिए। सर्च करने से आपका ये फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ आपको पूछ रहा है एग्ज़ाम मोड, तो आपका ईयरली एग्ज़ाम होता है, ईयरली सेलेक्ट करेंगे। जो सी डिपार्टमेंट में आपको जाना है, योगा डिपार्टमेंट है हमारा, यहाँ से सेमेस्टर ईयर पूछ रहा है, सेमेस्टर में आपको ईयरली आपका एग्ज़ाम होता है, तो हमारा ईयर होता है फर्स्ट ईयर। फिर हम इसको करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद हमको पूछ रहा है नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ आप अपना नेम डालेंगे। ये सारा चीज़ फॉर्म कैपिटल लेटर में भरे तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद यहाँ फादर्स नेम पूछ रहा है, आप जैसा आपके मार्कशीट में है आप फादर्स नेम। इनरोलमेंट आपको सर ने, आप फिर से जाएंगे व्हाट्सएप में, यहाँ से सर ने जो पीडीएफ हमको सेंड किया था वो आपको ओपन करना है। ये हमारा एमएससी है मेरा, तो मैं एमएससी को ओपन करूँगा, यहाँ से मैं देखूँगा और यहाँ से मेरा देख लेता हूँ मैं, टिकेश्वर राम। तो यहाँ से आपको जो एस आर यू ए ए 1254 एट द रेट से पहले जितना भी है 1253 एट द रेट से पहले जितने हैं उसको मैं इसको कॉपी कर लूँगा। ये कॉपी किया, फिर से मैं चला गया क्रोम पे और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर दिया। रोल नंबर नहीं पता है तो 00 मैं डाल देता हूँ। योर कोर्स पूछ रहा है, तो कोर्स है हमारा है एमएससी योगा। ये एमएससी योगा आप टच करेंगे, स्पेशलाइजेशन, तो यहाँ आपको कोर्स का नेम डालना है योगा। एंड नेचुरोपैथी, फिल द सब्जेक्ट विद सब्जेक्ट कोड। तो यहाँ आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका कोर्स नेम है वो आपको डाल देना है। यहाँ मैं सर एम वाई टी 1 स्पेस एफ यू एन फंडामेंटल ऑफ योगा, चार पूरे पेपर का मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5। अब आपका ऑप्शन है आधार कार्ड का, यहाँ से एड फाइल करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट फाइल करेंगे और यहाँ से मैं फाइल्स में जाऊँगा और मेरे पास ये आधार कार्ड है,
एक जो नीचे आप आधार कार्ड देख रहे हैं वो मैंने इसी मोबाइल के कैमरे से खींचा है, और दूसरा जो आधार कार्ड देख रहे हैं वो हमारा व्हाट्सएप से मैंने दूसरे मोबाइल से खींच के मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप किया। तो ये इस टेक्निक आप लोग भी कीजिए और इसको टच कर लीजिए, या आपका ये आ गया, इसको अपलोड कर दीजिए। ये आधार अपलोड हो गया 10th। अच्छा, अब हमको डालना है 10th का मार्कशीट। मैंने 8 फाइल किया, यहाँ से सेलेक्ट फाइल किया और मैं फाइल्स में गया, फिर से यहाँ से आप 10th का मार्कशीट मैंने ये सेलेक्ट किया और ये अपलोड कर दिया। नेक्स्ट 12th का मार्कशीट मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट फाइल किया, ये फाइल्स में गया और फिर से यहाँ मैं 12th का मार्कशीट सेलेक्ट कर दिया और अपलोड कर दिया। फिर अगला काम लास्ट ईयर मार्कशीट, फिर से 8 फाइल कीजिए, सेलेक्ट फाइल कीजिए, फाइल्स में जाइए और ये मेरा लास्ट ईयर का मार्कशीट है, ये इसको मैंने सेलेक्ट किया, अपलोड कर दिया। अब आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो बोल रहा है 100 to 1 MB का, तो यहाँ से 8 फाइल में जाइए, फिर से सेलेक्ट कीजिए, फाइल्स में जाइए और ये मेरा पासपोर्ट फ़ोटो, ये मैंने अपलोड किया, ये भी अपलोड हो गया। अब आपका बचा है सिग्नेचर, यहाँ से फिर से 8 में जाइए, सेलेक्ट फाइल्स कीजिए, अलाउ कीजिए, यहाँ से ये मेरा सिग्नेचर और इसको मैंने कर दिया अपलोड। अब इसको फिर से आप नेक्स्ट कीजिए। यहाँ आपका है फीस पेमेंट डिटेल्स। अच्छा, तो यहाँ आपको फॉर ड्यू कॉन्टेक्ट टू कंसर्न प्रिंसिपल HOD, फॉर नोट ड्यू कॉन्टेक्ट टू कंसर्न प्रिंसिपल HOD, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ 00, हमको नहीं पता है। ये कोर्स ऑफिस रिसिप्ट नंबर और ट्रांजेक्शन्स ID बोल रहा है। तो मैं, मेरे पास मैसेज आया है जो मैंने फीस पे किया, तो मैं चला जाता हूँ मैसेज में, यहाँ से मैंने ये पे किया है 1700, तो ये रिफरल अमाउंट ये मैंने कॉपी किया, मैं बैक गया, यहाँ मैं पेस्ट कर दिया और फिर से मैं उसमें गया, यहाँ लिखा है REF नंबर, ये पूछ रहा है एग्ज़ाम फीस रिसिप्ट मई जून 2021। मैं 8 फाइल किया, सेलेक्ट फाइल किया, फाइल्स में गया, यहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है फीस पे का, मैं वहाँ चला जाता हूँ, ये स्क्रीनशॉट और मैं इसको कर दिया अपलोड, ये सक्सेस। एग्ज़ाम फीस ट्रांजेक्शन ID रिसिप्ट नंबर मई जून, फिर से मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये कॉपी किया, यहाँ पास मैं पेस्ट किया, ये नंबर डाल दिया, यहाँ पास मैं आंसर डाल देता हूँ iPad 1500 एग्ज़ाम फीस प्लस 200 कॉलेज फीस, बैठो, फिर मैं इसको कर दिया सबमिट। ये मेरा फॉर्म सबमिट हो गया। थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर एग्जामिनेशन फॉर्म, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।